नमस्कार, भारत हेडलाइन देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ काविंद्र चौहान। 10 पैसे, 20 पैसे, 30 पैसे, 40 पैसे, 50 पैसे, 1 रुपए से होता हुआ आज तेल का जो दाम है वो पहुंच चुका है 106 रुपए 85 पैसे का। यहाँ पर पेट्रोल है और इसके साथ ही ये 74 क्या लिखा हुआ है, 106 रुपए का चल रहा है। डीजल का क्या दाम है? डीजल का सर जी 99 रुपए कुछ पैसे है। 99 रुपए कुछ पैसे है, तो मतलब वो भी सेंचुरी की तरफ बढ़ चुका है और आने वाले समय में सेंचुरी भी लग जाएगी। तो ऐसे में जो लोगों की जेब पर जो डाका पड़ रहा है, जो आम आदमी है वो किस तरीके से परेशान है, किस तरीके से इस पर क्या प्रभाव पड़ रहा है उसके अन्य काम काजों पर, आपको बता दूं कि एशिया में सिर्फ भारत ही एक ऐसा मुल्क है जहां पर सबसे ज्यादा तेलों का दाम वसूला जाता है। आपको बता दूं कि भारत में जो तेलों के जो दामों के जो बढ़ने की जो दरअसल समस्या है वो इसलिए है क्योंकि यहाँ पर एक्साइज ड्यूटी बहुत ज्यादा है, वैट बहुत ज्यादा लिया जाता है। मतलब सरकार में चाहे वो केंद्र की हो चाहे राज्य की हो, हर कोई आम जनता से जेब से पैसे निकालना जानता है, हर कोई माहिर है। इसलिए इस पर विपक्ष भी खुलकर नहीं बोल पा रहा और ना ही सरकार है, क्योंकि कहीं कहीं किसी की सरकार है तो कहीं जो यहाँ विपक्ष में है वहां उनकी सरकार है। तो ऐसे में जो केंद्र में सरकार है वो किसके नाम पर, एक्साइज ड्यूटी के नाम पर, और जो सरकारें जो राज्य में है वो वैट के नाम पर आपकी जेब से लगातार जो है वसूली कर रही है, मुनाफाखोरी कर रही है। क्या डलवाने आए भैया? पेट्रोल डलवाने आए हैं। पेट्रोल डलवाने आए हैं, कैसा महंगा महंगा लग रहा है कि ठीक है? महंगा है, काफी महंगा है, काफी महंगा है। बाकी चीजों पर भी समस्या आ रही होगी? सबसे ज्यादा तो ये पेट्रोल पे ही है और समस्या इतनी नहीं है। क्या मतलब, क्या फिर इसके लिए क्या सोचा है कि पेट्रोल ठीक है महंगा है, इसके अलावा कुछ सोचा है कि सरकार को हिला देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे? सरकार को सोचना चाहिए ना, आम लोग कहाँ से इतना महंगा डालेगा। ये महंगाई से त्रस्त है जनता बहुत। ठीक है, तो ये मैं बता रहे थे कि किस तरीके से जो महंगाई है वो रोज पर जिस तरीके से बढ़ती जा रही है उससे समस्या जो है बहुत बढ़ती जा रही है। आप क्या करते हैं, सर्विस करते हैं? हाँ, जॉब करता हूँ। सर्विस करते हैं आप? अच्छा, ये बताइए क्या तेल का दाम तो बहुत ज़्यादा बढ़ता ही चला जा रहा है, इसको लेकर क्या कैसे परेशान है? परेशान तो वही कि आने जाने की जो कॉस्ट थी वो बढ़ती जा रही है दिन पर दिन। सरकार को लेकर मन में गुस्सा कुछ आता है? गुस्सा ऐसा तो नहीं है कि देखो खर्चा तो बढ़ी हुआ है, जो मिडिल क्लास आदमी है तेल डलवाते रहेंगे वो बढ़ रहा है, वो कोई दिक्कत नहीं है। अब मजबूरी है जी, आना जाना तो अब तेल डलवाना पड़ेगा ही, मजबूरी है तो फिर तेल तो डलवाना ही पड़ेगा, ऐसा इनका कहना है। तो यहाँ पर भीड़ आप देख सकते हैं किस तरीके की भीड़ है, और मुनाफाखोरी जो है वो सरकारें हर चीज़ छोड़ देती हैं लेकिन सरकार अपना जो मुनाफा है वो नहीं छोड़ती। कहाँ से चले आए भैया? नहीं आप ही बता दीजिए। क्या बताएं, तेल डलवाने आए, महंगाई बहुत ज़्यादा है जी सर, महंगाई से आप भी त्रस्त होंगे? हाँ सर, महंगाई से तो है ही है। चलिए ठीक है, आपकी आवाज़ जो है वो थोड़ी समस्या कर रही है, उतना खुलकर नहीं बोल पा रहे आप। तो यहाँ पर गाड़ियाँ भी हैं काफ़ी, बाइकें भी हैं जी। भैया कहाँ से आए हैं? भैया तेल तो 106 को पार कर गया। नोएडा से ही? नोएडा से ही आए हैं। हाँ। तेल जो है वो तो 106 भी पार कर गया, तो कितने में कितना डलता है जी? तेल तो 106 भी पार कर गया तो समस्या आ रही है, बता रहे हैं कि दिवाली तक 110 हो जाएगा। क्या लगता है फिर सरकार को लेकर गुस्सा आता है कि यार ये तो तेल के दाम बढ़ाए जा रहे हैं, पूरा आपका पैसा तो इसी में चला जा रहा था? तो यहाँ पर लोग तमाम हैं, हर कोई कह रहा है कि भैया ये तेल के जो दाम है वो एक ऐसे स्तर पर पहुंच चुके हैं कि आम आदमी के डलवाना जो है वो तेल काफी मुश्किल होता जा रहा है। क्या करते हैं, छात्र हैं क्या? तेल का दाम कैसे पड़वा रहे हैं? तेल बहुत महंगा हो गया के लिए डलवा रहे हैं, डेयरी का, दूध की डेयरी के लिए डलवा रहा हूँ। दूध की डेयरी का? अच्छा, मतलब व्यवसाय करते हैं तो फिर तेल तो बहुत महंगा है, फिर डेयरी काफी समस्या आ रही होगी। दिक्कत तो होती है खैर, लेकिन डलवाना तो पड़ेगा ही, करना है ना। कैसे ये समस्या का हल कैसे होगा, कुछ सोचा कभी? अभी तो सोचा नहीं है। नहीं सोचा? चलिए ठीक है, तो समस्या का जो हल है वो इन्होंने भी सोचा नहीं, लेकिन समस्या है इससे हर कोई वाकिफ है, हर कोई बताता है कि जो समस्या है वो दिन पर दिन बड़ी होती जा रही है, दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। यहाँ पर तमाम लोग हमारे देखिएगा, ये पेट्रोल पंप जो है वो नोएडा में स्थित है, नोएडा सेक्टर 62 जो है, ये ऊपर से मेट्रो आप देख सकते हैं, सेक्टर 62 की मेट्रो स्टेशन है, यहाँ से मेट्रो निकलती है सेक्टर 62 की, और ये नीचे एक पेट्रोल पंप है जहाँ पर तमाम लोग जो हैं वो पेट्रोल डलवाने आते हैं। आप भी आए हैं पेट्रोल डलवाने? कितना डलवाएंगे? 100 रुपए का डलवाएंगे। 100 रुपए का डलवाएंगे? 100 रुपए में कहाँ, 1 लीटर भी नहीं पूरा पड़ पा रहा है, क्या करेंगे, मजबूरी डलवाते हैं। बड़ी परेशानी है? हाँ, बड़ी परेशानी है, गंभीर स्थिति है काफी। सरकार को सोचना चाहिए इस पर, सोचना चाहिए बस, पहले इतना महंगा कर दे इसीलिए। डेली डेली बढ़ता रहता है? डेली बढ़ता रहता है सर, डेली बढ़ता रहता है। तो ठीक है, तो बता रहे थे कि डेली डेली जो तेल के दाम है वो बढ़ते रहते हैं, तो आम आदमी ऐसे में क्या करे, करे तो करे क्या, खाए कि पिए कि इसमें लगाए, कहाँ लगाए? सही बात है, एक बार सरकार फिक्स कर दे इसका जो क्या रेट होना चाहिए, उसके बाद आम जनता समझ जाएगा जो चलो भाई ये जो है सो
ये रेट आ रहा है गवर्नमेंट का, तो उतना परेशानी नहीं होगा। ये मंत्री जी हैं मध्य प्रदेश के, वो कह रहे हैं कि आमदनी भी तो बढ़ रही है, तो ठीक है तेल के दाम भी बढ़ रहे हैं। ठीक है तेल का दाम बढ़ रहा है, उसके लिए कोई बात नहीं है, लेकिन 70% जनता जो है सो चुका नहीं सकता है, 30% जनता है जो कि इसको बेयर कर सकता है। गवर्नमेंट को इसके लिए जो है सर कम से कम वो अस्थिर नहीं रहना चाहिए, मार्केट एक क्रिएट होना चाहिए मार्केट, जब तक क्रिएट नहीं होगा अस्थिरता नहीं आएगा तब तक आदमी परेशान हो गया हुआ है। परेशान क्या, आदमी के पास खाने का एक टाइम का वो नहीं है साधन, और 100 रुपए का 106 रुपए तेल बता रहा है। 109 रुपए हो गया सर दिल्ली में, 109 रुपए सेल, 110 रुपए हो गया आज के रेट में, मैं भराया था तो 110 रुपए हो गया था। बड़ी समस्या है, बहुत समस्या है, बहुत बड़ी समस्या है। तो चाहे कैसे ये इसका समाधान कैसे होगा, गवर्नमेंट जो है सो इसके लिए जो है सो टैक्स या तो GST में लाएं इसको, GST में लाना चाहिए आपके, GST में लाना चाहिए, ये तो उनका अंधा कमाई है। सही बात है, राज्य सरकार भी ले रही है, केंद्र भी ले रही है, केंद्र भी ले रहा है, तो उनको तो है सो एक फिक्स करें, वो एक फिक्स करें तो इसमें जो है सो इतना परेशानी नहीं होगा, नहीं तो आज के डेट में तो जनता मर गया, मच्छर की तरह मारा जा रहा है, मर गया, महंगाई का मार जो है लोग कराता, BJP सरकार आएगा तो अच्छे दिन, सब कुछ मोदी जी कर रहे हैं, सब कुछ अच्छे कर रहे हैं, लेकिन ये जो है सो सबसे गलत चीज कर रहे हैं। चलिए ठीक है, समझ गया आपकी बात। आप बता रहे थे कि इन्होंने कहा था कि मोदी जी जब आएंगे, इन्होंने जैसा कि मोदी जी ने कहा था कि जब वो आएंगे तो दिन अच्छे आएंगे, दिन बहुरेंगे, महंगाई पर लगाम लगेगी, लेकिन उसके बावजूद जो तेल के दाम है वो एक रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच चुके हैं। सर्विस करते होंगे आप जॉब? यस सर। कैसे, तेल वेल के दाम तो बहुत हाई है, सैलरी आती होगी आधी तो इसी में? बस इस महंगाई में ये पता ही नहीं चल पा रहा है कि हम क्या खाएंगे क्या बचाएंगे। एक तरफ तो युवा बेरोजगार है, रोजगार भी है तो फिर इसकी मार है। पेट्रोल इतना महंगा है ना कि आने जाने में तो पहले से डबल कीमत अब पेट्रोल में ही चला जाता है, और वैसे भी इस समय जॉब की बहुत प्रॉब्लम चल रही है। चलिए ठीक है, तो युवा जो है वो काफ़ी त्रस्त है, बता रहे हैं कि पहले तो कमाओ, और कमाओ तो फिर आधा यहाँ पर आकर, कैसे, पहले तो कमाओ और कमाओ तो फिर आधा यहाँ पर आकर लुटाओ। जी बिल्कुल, तो युवा भी अपने हिसाब से परेशान है, हर किसी की अपनी अपनी परेशानियाँ हैं, समस्याएं हैं। कहाँ से आए भैया? भैया खोड़ा से। खोड़ा से आए हैं, तेल तो बहुत महंगा है, 106 रुपए का तेल बता रहा है यहाँ पर। कोई बात नहीं डलवा लेंगे, सरकार ने महंगा कर रहा, डलवाना तो वही है ना, वो तो है ही, लेकिन ज़्यादा महंगा है और महंगाई से बड़ा त्रस्त है। हाँ ज्यादा ज्यादा ही त्रस्त है, लेकिन मुस्कुरा के त्रस्ती जो है उसको झेल रहा है। मोदी जी के फॉलोअर हैं क्या? नहीं नहीं है क्या, अगेंस्ट में? हाँ अगेंस्ट में क्यों है? सपा वाले हैं, तो सपा वाले हैं, तेल डलवा रहे हैं तो सपा आएगी तो कुछ कम करेंगे? हाँ वो कम करेगी। कौन कम करेंगे, अखिलेश जी? नहीं मोदी करेगा, बाद में तो मोदी बनेगा। अच्छा आप कह रहे हैं कि आज अखिलेश जी जाएंगे लेकिन मोदी जी हमेशा रहेंगे सेंटर? मोदी रहेंगे। अच्छा तो ये बड़ी दिलचस्प चीज़ है कि अखिलेश यादव के भी फॉलोअर हैं और मोदी जी को भी धीरे से सपोर्ट करते हैं, तो दोनों तरफ दोनों नाम कैसे सवार हैं? कोई नहीं, दोनों चल रहा है बढ़िया, दोनों में BJP और सपा दोनों में एक साथ। चलिए बहुत बढ़िया, तो यहाँ हमारे साथ एक दिलचस्प हमें फॉलोअर भी मिले जो बता रहे थे कि जो स्टेट है वहाँ पर ही अखिलेश यादव को लाना चाहते हैं, लेकिन इसके साथ ही जो सेंटर है वहाँ पर ये बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं कि मोदी जी को सेंटर में लाना चाहिए। तो यहाँ पर देख सकते हैं गाड़ियाँ जो हैं लगातार लंबी लाइनें लगी हैं, कतार लगी हैं, लेकिन तेल जो है वो दरअसल बहुत ज़्यादा महंगा हो चुका है, महंगाई के चक्कर में जो जनता है वो पिस रही है। ऐसे में एशिया में जो सबसे महंगा तेल एशिया में अगर कहीं पर मिलता है तो वो भारत में ही मिलता है, ये एक बड़ी दिलचस्प चीज़ है। इसके साथ ही अगर आप तेल की बात करें तो अगर 35 रुपये का अगर आपको एक लीटर तेल पड़ता है जब कच्चा खरीदा जाता है तो 35 रुपये का है, तो वही 35 रुपये कुछ उस पर आपको बता दें कि एक्साइज ड्यूटी लग जाती है, और वही 35 रुपये कुछ लगभग उसमें वैट लग जाता है। इसके बाद जो टैंकर वाला है वो भी खा लेता है, इसके बाद जब वो पेट्रोल पंप तक चलकर आता है तो वहाँ भी 2-4 रुपये का आपके ऊपर जो जोर है वो पड़ जाता है। इसके साथ ही वो तेल जो है फिर आपको पूरा कुल मिलाकर बजट के साथ 106, 107, 108 रुपये का तकरीबन मिल पाता है, लेकिन समस्याएँ तो कई हैं, समाधान की कोई दिशा नहीं दिखती। कितने का डलाने आए हैं? 320 का डलाएंगे, 320 रुपये का डला देंगे। दिन चल जाएगा 10 दिन। 10 दिन बड़ा समस्या है, 320 रुपये का 10 दिन तेल चलेगा, फिर चलाना पड़ेगा 320 चलाना पड़ेगा। परेशानी होती है? यस सर परेशानी तो होती है, क्या करें यही तो समस्या है कि आम आदमी जो है वो दरअसल यही कहता है कि करें तो क्या करें।
क्या करें, तेल तो डलाना ही है, महंगा है तो क्या करें। कुछ कहना चाहेंगे अगर सरकार से कहने की आपको दिया जाए मंच? बस जो कर रहा सही कर रहा। कुछ नहीं कुछ नहीं, जागरूक नागरिक नहीं है, जागरूक नहीं है, कह रहा है ठीक है हो गया सरकार ने कर दिया आप करें तो करेंगे, आप बताइए। कोई नहीं जी, डलाना तो डलाना ही है, डलाना तो डलाना ही है, लेकिन उसके साथ ये भी समस्या है ना कि तेल के दाम तो बढ़ते जा रहे हैं। आप कब तक जनता त्रस्त रहेगी, कब तक मरती रहेगी? समाज के साथ साथ ही है। सरकार से कुछ कहने को मिले तो क्या कहेंगे? बस यही है कि महंगाई तो कम करो। मोदी जी से नाराजगी है इसको लेकर कोई है भी? पर हो सकता है उनकी भी कोई समस्या हो। बीजेपी वाले हैं आप? बीजेपी वाले हैं, बीजेपी को पसंद करते हैं? भाई हमें तो ना बीजेपी देगी ना कांग्रेस देगा, हम तो नौकरी करेंगे तो मिलेगा। तेल महंगा है लेकिन समस्या तो है, खाएंगे इसमें तेल डलाएं? नहीं खाएंगे भी, तेल भी डलाएंगे। इनसे भी बातचीत करेंगे, जो कितने का तेल डलाने आए हैं? 100 रुपए का। 100 रुपए का? 100 रुपए में कहाँ चल पाएगी, तेल का दाम देख रहे हैं 107 रुपए हो गया, सरकार बताई नहीं आपको? क्या करें सर, जितना पैसा रहेगा उतने तो डलाएंगे। अब तो मतलब चूसा जा रहा है आपको, तो बिल्कुल खत्म हो जाएंगे ऐसे तो क्या करें सर, मजबूरी है, मजबूरी है, गवर्नमेंट को करना चाहिए इसको ठीक। नहीं कर रही है? नहीं कर रही है। लेकिन परेशानी बड़ी है? परेशानी तो है, गवर्नमेंट को भी घाटा है ना इससे। गवर्नमेंट को क्या घाटा है समझाइए? इसमें अगर कटौती करती है तो अपना जो बैट लगाती है और राज्य सरकार जो लगाती है, दोनों को अपना अपना ठीक करना चाहिए, कम करना। आप ही से ले लेंगे क्या? आपका नहीं सोचना क्या, आम जनता के लिए भी तो सोचना पड़ेगा भाई। महंगाई 107 रुपए का आप तेल डलवा रहे हैं, इसमें कितने की खरीदी थी इसको? सर 60,000। 60,000 का खरीदा, फिर अब तेल भी रोजाना डलाना, ये भी बड़ी समस्या, बड़ी परेशानी, बड़ी विकट स्थिति है। कितने का डलाने आए हैं? 200 का। 200 का तो खर्च ही हो जाएगा, जल्दी खत्म हो जाएगा, हर दूसरे तीसरे दिन आके डलवाना पड़ता होगा। हाँ जी, बड़ी समस्या है, तेल का दाम बहुत ज्यादा है, ज्यादा है। क्या खाएं क्या डलवाएं? हाँ जी है। चलिए बहुत बढ़िया, तो तेल का जो दाम है उसको लेकर हम बातचीत कर रहे हैं। काफ़ी लोग हैं यहाँ पर, जिससे हमने जाना कि किस तरीके से जो तेल के दाम है वो रोज पर रोज बढ़ते जा रहे हैं, जिससे समस्याएं दरअसल बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी हैं। बड़ी बड़ी खूबसूरत गाड़ी है आपकी। अच्छा, आप तो सर्विस वाले हैं? हाँ जी, सर्विस वाले। क्या करवा रहे हैं, टेस्ट ड्राइव लेवा रहे हैं? नहीं। खरीद ली? नहीं सर, पेट्रोल लेने के लिए आए। पेट्रोल तो बहुत महंगा है, गाड़ी एक तो इतनी महंगी दोगे पहले फिर पेट्रोल, गाड़ी इतनी महंगी दोगे फिर पेट्रोल भी महंगा डलवाओ? कंपनी के लिए सर देना। बिल्कुल सही बात है, तो कंपनी के लिए है, इसलिए ये बता रहे थे कि जो दाम है वो भी लगातार बढ़ रहे हैं। क्या नाम बताया भैया अपना? पंकज। पंकज जी, तेल का दाम तो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, समस्या बहुत व्यापक होती जा रही धीरे धीरे, कैसे चलेगा सर? चल तो नहीं रहा लेकिन चलाना पड़ रहा है सर, मजबूरी है। महात्मा गांधी स्टाइल में चला रहे हैं मतलब? बिल्कुल। कब तक खींच लेंगे ऐसे गाड़ी? आज मैं इसलिए बोल रहा हूँ, 35 पैसा बढ़ा दिया, 1 रुपया बढ़ा दिया, 1.5 रुपया बढ़ा दिया, 2 रुपया बढ़ा दिया, पता नहीं कितना है आज का, बढ़ते बढ़ते हो गया 200। कब तक खींचेंगे मतलब, वही मैं पूछ रहा हूँ, कब तक खींच लेंगे, कोई लिमिट है? खींच नहीं रहा लेकिन मजबूरी में खींच रहे हैं, मजबूरी में खींच रहे हैं। अब खाने में कटौती कर ले, कल तक खाते पनीर, अब खाएंगे दाल की सब्जी, बिल्कुल यही चल रहा है, दाल रोटी खा के तेल डलाओ पहले। और क्या, नौकरी में भी तो जाना जरूरी है, नहीं तो धक्के खाने पड़ेंगे ऑटो में। भाई ऑटो में धक्के खाओ, बड़ी विकट समस्या है, कैसे काम चलेगा फिर? पंकज जी क्या करना है फिर? रेट कम होने चाहिए तो तेल के दाम, तेल के दाम कम होने चाहिए, बिल्कुल सही बात है, तो तेल के दाम जो है वो दरअसल कम होने चाहिए। ये आप ही की है भैया? सर आप ही की है ये? अच्छा, ये कैब में चलती है? तेल का दाम तो बहुत ज्यादा है, जितना किराया नहीं आता उतना तो दाम इसका ज्यादा है सर, तेल का दाम। कमर्शियल में भी मतलब परेशानी है आपको? बहुत ज्यादा परेशानी है, तेल का दाम भी बहुत ज्यादा है, सीएनजी का भी 6 रुपए, अभी पिछले हफ्ते में 6 रुपए बढ़े हैं सीएनजी पे। क्या कमाते होंगे? कमाने तो ऐसे ही इसी में चला जाएगा, फिर चला जा रहा है, अब तो खाली मुश्किल से दाल रोटी बड़ी मुश्किल निकल पा रही है। सुबह से देख रहे हो 150 रुपए का काम ओला में हुआ है, 300 रुपए का ऊबर में हुआ है, क्या चलेगा इसमें, क्या घर चले? हालत खराब है जी, जो गाड़ियां आई हैं किस्त वाले अपने आप को जान खींच रहे हैं, गाड़ियां खींच ले जाएंगे, काम है नहीं, ओला उबर पैसे बढ़ाता नहीं है, गाड़ियां ले ली हैं पहले, अब कोरोना ने ऐसी तैसी कर दी, अब क्या करें। संकट घड़ी तो विकट है, विकट संकट है घड़ी की, लेकिन कुछ तो होना चाहिए, समझना चाहिए लोगों को भी कि कैसे कब तक करेगा। हाँ
पेट्रोल के दाम आसमान छुए हुए हैं, डीजल भी आसमान पे चढ़ा हुआ है। वही तो मैं जानना चाह रहा हूँ, रोज बढ़ रहे हैं ना, रोज दाम बढ़ रहे हैं, तो कब तक बढ़ते रहेंगे, कब तक लिमिट है आपकी? आखिर पता नहीं सर क्या होगा इस सरकार में, कैसे होगा, कैसे जियेंगे लोग। अब हमारा तो जी उठ गया है, क्या करें, कोई गाड़ी खरीदने को भी नहीं है तैयार, हम तो बेचने के लिए भी तैयार हैं। ये समस्या है, कह रहे हैं कि गाड़ी कोई खरीद ले, हम तो बेचने के लिए भी तैयार हैं। तो दाम जो है तेल के वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं, इसके बावजूद अभी तक सरकार जो है उसकी नींद से अभी तक नहीं जाग सकी है। और दाम कभी 35, आज कितने रुपये बढ़ा है? आज कितने रुपये बढ़ा है भाई? 35 पैसे। कितना बढ़ा? 35 पैसे। ठीक है, तो आज भी बता रहे हैं कि 35 पैसे जो है तेल के दाम बढ़े हैं। तेल के दाम कितने बढ़ जाए लेकिन उससे समस्या नहीं है, तेल तो डलवाना ही डलवाना है। तो कितने का डलवाने आए आप? 560 का सर। 560 रुपये, कितने दिन चल जाता है ये आपका? एक दिन चलता है सर। एक दिन चलता है, अच्छा ठीक है, आपका फील्ड का काम होगा। तेल तो बहुत महंगा है, जितना कमा नहीं पाते होंगे उससे ज्यादा तो फिर तेल में। ठीक है, पर देखो कितना देश पे कर्जा था मोदी ने करके सारा कर दिया, अब पेट्रोल से तो वो नहीं है, पेट्रोल तो अब महंगा है, तो लोगों की झाड़ी भी तो बड़ी है। जैसे लोग पहले 10,000 में 15,000 में थे, अब 18-20,000 मिल रहे हैं। ये आपको किसने मतलब कैसे समझा, ये आप तक कैसे पहुंची है बात की कर्जा था और कर्जे को निपटाया गया? ना न्यूज वगैरह में सर। कौन सी न्यूज देखते हैं हम? ये जो स्टार वगैरह और जो न्यूज है आज तक में देखते हैं। आज तक में बताया जाता है कि कर्जा था देश में वो उतारा। इतने जहाज वगैरह आ रहे हैं सर जो उसके लिए, एयरफोर्स वगैरह के लिए, आर्मी वगैरह के लिए, तो इसलिए। तो आप तेल महंगा कोई दिक्कत नहीं है फिर इससे? 200 हो जाएगा तो भी कोई दिक्कत नहीं सर। मोदी जी बाकी चीजों में लगा रहे हैं, बाकी देश की तो रोड, जब सड़कों देखो कैसी हो गई है, पहले के कहाँ इतना लगाता था, कांग्रेस तो घपलाबाजी करती थी सारे, और मोदी आया जब से प्लॉट सस्ता हो गया है, नॉर्मल आदमी भी ले सकता है। मोदी के राज में हमने प्लॉट ले लिया, नहीं कहाँ ले पाते, कांग्रेस में तो दिल्ली जैसी सिटी में कम से कम 50 गज का 20 लाख से कम नहीं था, वही प्लॉट था 10 लाख। मोदी जी तेल के दाम कितने बढ़ाते रहे उससे समस्या नहीं है, बढ़िया काम कर रहे हैं। और क्या, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे ही बढ़ते रहेंगे। और क्या, समस्या नहीं, समझ, कोई दिक्कत नहीं भाई साहब। मोदी जिंदाबाद। ठीक है, तो बीजेपी के काफी अच्छे समर्थक लग रहे थे, बता रहे थे कि तेल डलाने में कोई समस्या नहीं है, क्योंकि मोदी जी जो हैं वो अन्य जगहों पर भी काम करते हैं, अन्य जगहों के बारे में भी सोचते हैं, और इसी के चलते जो तेल के दाम हैं वो लगातार बढ़ते रहते हैं। लेकिन मोदी जी या सरकार या कोई भी, राज्य सरकार की बात करें, केंद्र सरकार की बात करें, उनको भी ये चीज़ समझनी चाहिए कि आम जनता जितना कमा नहीं रही उससे ज़्यादा यहाँ पर खर्च करने की नौबत आ जाती है। जितना कमाते हैं उसका आधा तो यहीं तो पेट्रोल में चले जाता है सर, इसमें बड़ी समस्या है। बड़ी समस्या है, आम आदमी, अगर गरीब से गरीब आदमी अब गाड़ी निकालने की सोच भी नहीं सकता, अगर वो शौक पूरा करना चाहे तो नहीं कर सकता वो अपना। अब नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, क्या सा करेगा, गाड़ी को खिलाएगा खुद खाएगा। रोजाना ही बढ़ते रहते हैं दाम, तो डेली बढ़ रहे हैं। तो क्या मेरे को ये बताइए कि सरकार को समझ नहीं आता कि परेशानी कहाँ है? आप यहाँ कहते हैं कि तेल के दाम ज़्यादा है, ज़्यादा है वो तो और ज़्यादा बढ़ा देते हैं। तो अब यही तो सरकार, यही तो चीज़ नहीं सोचती जनता के बारे में, सरकार को सोचना चाहिए ना कि आम जनता खाने के लिए निकालेगी क्या, इन चीज़ों के लिए निकालेगी, किस चीज़ के लिए निकालेगी, आए पहले कि इसमें तेल डलाएं पहले। अब आदमी के काम की समस्या तो इसको तो खिलाना जरूरी पड़ेगा, बिना इसके फिर खिलाए नहीं होगा। डबल मार है, डबल कहानी है। चलिए ठीक है, तो समस्याएं कई हैं लेकिन यहाँ पर लोग भी वही है कि मजबूरी है, डलाना तो है ही, अगर काम पे जाना है, अगर धंधे को ध्यान में रखना है, अगर बिजनेस पर ध्यान रखना है तो तेल तो डलवाना ही पड़ेगा। तो ऐसे में तेल तो डलवा रहे हैं लेकिन परेशानियां जो हैं वो दरअसल कम होने का नाम नहीं ली। तो यहाँ पर जब हम मौजूद थे नोएडा का ये 62 लगता है इलाका, जहाँ पर ऊपर मेट्रो स्टेशन है और नीचे जो है वो पेट्रोल पंप है जहाँ पर लोग पेट्रोल डलवाने आते हैं, यहाँ पर लगातार एक के बाद एक लगातार जो लाइन्स है वो लगातार आ रही हैं। और जी इस चीज़ में क्या, पेट्रोल के लिए क्या सर्वे में क्या आ रहा है, तुम कर रहे हो क्या आ रहा है भाई? देखो हमारे सर्वे में क्या आएगा वो तो जनता तय बताएगी सरकार को, फिर सरकार तय करेगी कि क्या करना है। ठीक है, हाँ, तो यहाँ पर जो माहौल था वो हमने जानने की कोशिश की और साथ ही लोगों से जाना कि आखिर जो मार उन पर पड़ रही है, तेल की जो मार पड़ रही है, ये नई गाड़ी लेकर आए हैं भैया, नई गाड़ी ले आए भैया, कितने की पड़ी है? 93,000 की। जी सर। तो डेली तेल भी मांगेगी क्या करे, खर्चा बढ़ा दिया। चलिए बात करेंगे इनसे, ये नई गाड़ी लेकर आए हैं, शानदार है। तो 93,000 की गाड़ी लाए हैं और 93,000 का ही अब तेल डलवा लेंगे साल भर में, तो ठीक है, तो नई गाड़ी लेकर आए हैं, 93,000 की गाड़ी है बता रहे हैं, और तेल अब रोज़ाना डलाना है। तो ये एक तरीके की
जो दरअसल हमारे लिए एसेट होनी चाहिए थी, जो चीज़ें जिन चीज़ों के सहारे हम अपना काम करते हैं, धंधा करते हैं, बिजनेस में जाते हैं, नौकरी पेशे में जाते हैं, उसको दरअसल अब एक लायबिलिटी के तौर पर देखा जा रहा है। क्योंकि आपने गाड़ी खरीदी, गाड़ी खरीदने के बाद उसमें रोजाना तेल डलवाना एक भारी समस्या बन चुका है, लेकिन तेल के दाम जो है वो कम होने का नाम नहीं ले रहे। सरकार जो है लगातार तेल के दाम बढ़ाती जा रही है, इसके बावजूद कि प्रदर्शन लोग कर रहे हैं, लोग त्रस्त हैं, कहर बरपा हुआ है, लोग महंगाई से इतना ज़्यादा परेशान हैं, खाने पीने की चीज़ें जब महंगी हैं, तमाम अन्य चीज़ें जब महंगी हैं, सरसों का तेल तक इतना महंगा है, और ऐसे में जिस वाहन से उसको चलना है, जिस वाहन से उसको बिजनेस में जाना है, अपने जॉब के लिए जाना है, अपनी नौकरी के लिए जाना है, वहाँ भी इतनी महंगाई है। तो इस महंगाई को कब काबू किया जाएगा, इस पर कोई जवाब नहीं है। बल्कि जवाब तो ऐसे दिए जाते हैं कि सड़कें देख लीजिए, सड़कें बन गई हैं। अब सड़कें बन गई हैं, लेकिन उन सड़कों पर चलेंगे तब ना कि जब तेल डलाने की औकात होगी किसी की, अफोर्ड कर पाएगा उसे कोई। तो ऐसे में जो लगातार जो रोजाना दाम बढ़ते जा रहे हैं, ये राजनीतिक मुद्दा बाद में हो सकते हैं, लेकिन उससे पहले एक आम आदमी की जेब से जुड़ा मुद्दा है। एक आम आदमी जब रात में खाना खाता है तो उसकी जेब में आखिर का जो नोट है वो भी सोचता है जेब में रखते हुए वो, कि इसको भी जाकर तेल में जाएगा या सरसों के तेल में जाएगा या खाने में जाएगा या बाकी अन्य चीज़ों पे जाएगा। तो महंगाई की जो मार है उससे आम जनता कितनी त्रस्त है, ये आपको दिखाने लाए थे। और इस पर स्पेसिफिकली आज हमने ये बताया कि जो तेल है, जो यहाँ पर पेट्रोल है, डीजल है, उसके दाम आखिर क्या हैं और कितनी जो जनता है वो त्रस्त है। तो ये टैंकर भी है जो बीच में आपके 2-3 रुपए ये भी एक्स्ट्रा जो है वो ले जाता है। बाकी इसके बाद जो पेट्रोल पंप के जो मालिक हैं वो भी 2-4 रुपए, उनका भी घर चलना है भैया, तो वो उनका भी, उनकी भी जेब में जाता है आपका प्रति लीटर। और बाकी सरकारें जो हैं वो मोटा मोटा खाती हैं, वो 35-40 रुपए, राज्य भी केंद्र भी, और आम जनता क्या करती है? आम जनता मच्छर है, मच्छर, समझिए, आम जनता मच्छर है जिसको जो सरकारें हैं वो वक्त पड़ने पर मार देती हैं और ऐसे कर फेंक देती हैं। फिलहाल के लिए इतना ही, कल एक बार फिर आपसे मुलाकात हो, शुक्रिया।